सीएम गहलोत के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल की चर्चाओं को लेकर बयान दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लीडर है, तो वहीं सचिन पायलट को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके लोगों को जगह दे दी गई है और जो निगम बोर्ड बने उनमें भी उनके लोगों को जगह दी गई थी, इसलिए सब स्थिति नियंत्रण में है। राजस्थान के पूर्व ऊर्जा मंत्री और डीपीआर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जो कि राजस्थान मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, हम बात करेंगे, बीकानेर दौरे पर हैं। सर, आप क्योंकि पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं, राजस्थान में इन दिनों ऊर्जा का संकट बहुत जबरदस्त किया रहता है। देखिए, सिर्फ राजस्थान में ऊर्जा संकट नहीं है, इसका मुख्य कारण है कि कोयले की जो डिमांड गर्मियों में एकदम में बिजली की बढ़ गई, खपत ज्यादा बढ़ गई, और इसके कंपेरिजन में जो भारत में हमारे जो कोल माइंस हैं उनमें उतना कोयला हमारे नहीं मिल पा रहा है। खुद मैं बताऊं, 2008 में मैं जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऊर्जा मंत्री बनाया, हमारा 6000 मेगावाट का जनरेशन था सन 47 से लेके 2008 तक, और मात्र 5 साल में हम लोगों ने 6000 से 12000 मेगावाट जनरेशन बिजली का किया। सुपर क्रिटिकल बने कारखाने सूरतगढ़ में, हमारे छबड़ा में, हमारे कालीसिंध में, अब वो बन गए सारे सोलर में। आज पूरे कंट्री में राजस्थान नंबर वन है सोलर एनर्जी में, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में, बीकानेर में है, उनके विंड में राजस्थान दूसरे नंबर पे गुजरात के बाद। तो जो जनरेशन हुआ, बिजली की कमी का मुख्य कारण था कोयले का समय पे सप्लाई नहीं होना, और कोयले की आने वाले समय में कोयला नहीं रहेगा, गैस भी नहीं रहेगी, अल्टीमेटली हम लोगों को सोलर पे जाना पड़ेगा। बड़ा, आप चूंकि काफी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, इन सब की बात करें अगर, तो अभी इन दिनों कांग्रेस में उथल पुथल जैसा माहौल दिख रहा है, प्रशांत किशोर पीके फैक्टर जैसा नाम सामने आया और काफी कुछ माहौल भी बना, इन सब को देखते हुए राजस्थान की राजनीति क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको निश्चित बताना चाहूंगा, सोनिया जी बहुत हमारी सीजन लीडर है और उनके स्वयं परिवार के बलिदान है देश के लिए, और हो सकता है हर चीज, आपको पता ही होगा कि 84 में बीजेपी की पूरे कंट्री में मात्र 2 सीटें थी, सिर्फ 2 पार्लियामेंट मेंबर्स थे, और 84 से आज की तारीख में उन्होंने अपना स्टैंड बनाया। प्रोजन को हर सब्जेक्ट के अंदर हर पार्टी में ऊंच नीच होती रहती है, पर जिस तरह का मैनेजमेंट राजस्थान में हो रहा है तो ये निश्चित रूप से पूरे कंट्री में मैसेज जाएगा, और जो अर्श पे है एक दिन उसको फर्श पे आना पड़ेगा, ये तो समय की मांग है। तो आज महंगाई बहुत बड़ी बढ़ गई है, सब्जेक्ट हो गया, महंगाई हो गई है, पूरे कंट्री की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो मैं समझता हूँ इसको मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देता, इवन वैक्सीनेशन के लिए दिए, बाद में दिए जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से सारा बियर किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात करें, नहीं सर, अशोक गहलोत साहब बहुत सीजन लीडर है, और मैं समझता हूँ राजस्थान में जितना इन्होंने काम किया है, ऐसे लीडर तो उनका वंस इन अ लाइफ टाइम आते हैं, जो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, और मैं नहीं समझता कि इस तरह के कोई सोच है वो होगी। कुल मिला के एक तरह से ये माना जा सकता है कि राजनीतिक हालात राजस्थान में, राजस्थान में स्टेबल है, राजस्थान में बिल्कुल स्टेबल है। ऑलरेडी हमारे 50 MLA ज्यादा है सब, हमारे बीजेपी के 71 MLA है और 3 इनको सपोर्टिव पार्टी के, हमारा तो 125 MLA है, 125। पायलट गुट भी कहीं ना कहीं है? नहीं नहीं, वो बात सब शॉर्ट आउट हो गई, उनके जो भी उनके, मैं समझता हूँ जो भी उनके साथी थे उन सब वो मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है उनको, हमारे जो अलग से हमारे अध्यक्ष बने हैं जिन निगमों के उनमें भी जगह मिली है, वो छोटे मोटे डिस्प्यूट देखिए हर पार्टी में होते हैं, तो वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल अगर राजस्थान की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ी बात यह कही जा सकती है कि राजस्थान में सब कुछ सामान्य हालात है, और ऊर्जा का जो संकट है वो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे सामान्य